हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो स्टूडियो में हम बात करेंगे। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, आरटीआई के जरिए मैंने पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 22/7 को मैंने आरटीआई लगाई थी। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में मैंने आरटीआई लगाई थी, वेस्टर्न रेलवे। मैंने बाकी बहुत सारी जगह पर आरटीआई लगा रखी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लगाई थी। तो उसमें जितने भी आपके 16 जो आपके डिपार्टमेंट है आरआरसी की, जो इन वैकेंसी निकालने और भरने का सारा काम जो काम करती है जोनल रेलवे करती है, तो सारे जोनल रेलवे मैंने यहाँ पर आरटीआई लगा रखी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लगभग बहुत सारी जगह पे आरटीआई लगा रखी है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 108 यहाँ पे आरटीआई रजिस्टर कर रखी है, और उसमें से आपकी 60 मेरी अभी पेंडिंग है। तो 60 आरटीआई अभी आनी बाकी है और 48 डिस्पोज हो चुकी है। तो आप देख सकते हो जितने भी आपके 16 तो आपके ये हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गए, जोनल रेलवे हो गए, और आपके 21 आरआरबी हो गए। तो इनमें सभी में मैंने आरटीआई लगा रखी है। पूछ रखा है कितनी वैकेंसीज़ खाली है और कब तक आ सकती है। तो आज जो बात करते हैं, आज जो रिक्वेस्ट डिस्पोज हुई है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पूछा गया था डियर सरोन, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ प्रोवाइड द डाटा ऑफ वैकेंट पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट जोन वाइज, और प्लीज़ प्रोवाइड द टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। तो सभी का पूछा मैंने यहाँ पे, और उसके बाद में ग्रुप डी की कितनी पोस्ट खाली है, जूनियर इंजीनियर की कितनी पोस्ट खाली है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर कितनी पोस्ट खाली है, और यहाँ पे प्रोवाइड द डाटा वो वैकेंट पोस्ट इन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिग्नल टेली कम्युनिकेशन और कैटेगराइज जोन वाइज। मैंने यहाँ पे डाटा मांगा था, तो इन्होंने यहाँ पे आज की तारीख में 25 जुलाई की तारीख में इन्होंने रिप्लाई दे दिया। यहाँ पे देखते हैं रिमार्क फॉर द इंफॉर्मेशन सोर्ट बाय अटैच, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे दी गई है। तो मैं उस पीडीएफ को आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है आरटीआई का। यहाँ पर देख सकते हो पश्चिम रेलवे जो है उसकी तरफ से यहाँ पे रिप्लाई आ चुके हैं, जो आपके बड़ोदरा में जो आपके वर्कशॉप है उनकी तरफ से यहाँ पे रिप्लाई आया। यहाँ पर देख सकते हो डेट भी देख सकते हो रिप्लाई की 25/7 यानी 25 जुलाई की तारीख में ही है यहाँ पर रिप्लाई भेजा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या रिप्लाई आया, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो विषय यहाँ आप देख सकते हो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना। तो कब मांगी थी, 22 तारीख को मांगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें इसमें दी गई है, और यहाँ पर देख सकते हो आपके आवेदन तिथि के अनुसार मांगी गई सूचना अंतर्गत 1 से लेकर 6 के अनुसार असिस्टेंट लोको पायलट की कैटेगरी कार्य करने से संबंधित है। मतलब वेस्टर्न रेलवे की जो है इनका कहना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका कहना है कि जो कैटेगरी नंबर 1 में मैंने पूछा था असिस्टेंट लोको पायलट कितनी पोस्ट खाली थी, इनका कहना है असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी इस कारखाने से संबंधित नहीं है। मतलब डब्ल्यू वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पे ये क्या नाम से असिस्टेंट लोको पायलट की इनसे संबंधित नहीं है। और उसी के साथ क्रम संख्या 2, 3, 4, 5 द्वारा मांगी गई सूचना कैटेगरी वाइज वैकेंसी स्थिति अनुसार है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की तो नहीं दी है, बाकी सभी का इन्होंने डाटा यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले बात करें सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी SSC जो होता है आपका, उसकी यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में 3 पोस्ट खाली बता रहे हैं। वैसे लगता नहीं कि 3 ही पोस्ट खाली होगी, बहुत सारी होगी पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हो आरटीआई के अनुसार तो यही है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 3 पोस्ट खाली है, जूनियर इंजीनियर में यहाँ पे 3 पोस्ट खाली है, और MCM में यहाँ पे जो आपके होता हुआ MCM जो होता है उसकी 4 पोस्ट खाली है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में यहाँ पे 152 पोस्ट खाली है। उसके बाद में टेक्नीशियन यहाँ पे टेक्नीशियन सेकेंड में यहाँ पे 35 पोस्ट प्लस यहाँ पे बता रहे हैं, और यहाँ पे आगे दिए गए और आगे यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड जो आपके थर्ड होता है जिसपे आपको वैकेंसी निकलती है इसमें 21 पोस्ट खाली बता रहे हैं, और ग्रुप डी में यहाँ पे 78 पोस्ट खाली बताई जा रही है जो आपके वेस्टर्न रेलवे में दी गई है। अभी अलग अलग जोन का आना बाकी है क्योंकि 16 जोन है आपके आरआरबी के जोनल के, तो उसके अनुसार सारे का आना बाकी है। अभी तो सिर्फ ये वेस्टर्न रेलवे का ही आया है, तो जैसे बाकी का आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और द्वारा मांगे गए कैटेगरी संबंधी नए मैकेनिकल को छोड़कर इस पंचकरण में अपील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ दी गई है। तो ये जो सारी चीज़ें दी गई है सारे मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल का इनके पास नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये इतनी सारी आपके पोस्ट इसमें खाली बताई जा रही है। टेक्नीशियन ग्रेड की इतनी है, इतनी है, इतनी है, सारी आपको मिला लोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 200 से प्लस आपकी इसमें पोस्ट आपकी खाली बताई जा रही है वेस्टर्न रेलवे में। बाकी का भी जैसे आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप नेक्स्ट आरटीआई में किस डिपार्टमेंट लगाओ आप कमेंट करके बता दो, और कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।